उत्तर प्रदेश में मैडम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू विनय सहस्त्रबुद्धे जी। आदरणीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। उपसभापति महोदय, हम सब जानते हैं सदन की परंपरा के अनुसार हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को बहुत गंभीरता से लेते हैं, सोचते हैं, उसकी बहस भी करते हैं, मगर विगत कुछ दिनों से इस सदन में जो चर्चा चल रही है और विशेष रूप में हमारे विपक्ष के मित्र जिस पद्धति से इस विषय पर बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बेहतर होगा मेरे लिए, मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के लिए, कि सबसे पहले तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का आभार मानूं, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में एक सत्य उजागर किया। जब ये बात आती है कि 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ, तब उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अरे 70 साल की बात आप करते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि हम हैं इसलिए आप जिंदा हैं। और मैं तो आत्म परीक्षण करने लगा और मुझे ध्यान में आया कि वाकई में बहुत सही बात है कि आप हैं इसीलिए तो हम जिंदा हैं, आपने हमें जिंदा रखा, हम आपके आभारी हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र से आता हूं और महाराष्ट्र में 1948 में बापूजी की नृशंस और निंदनीय हत्या के बाद बहुत सारे दंगे फसाद हुए और कई लोगों के घर उजड़े, कई लोगों की हत्याएं भी हुई। मेरे दादा, मेरे पिता और मेरे दादा बच गए, हम आपके आभारी हैं क्योंकि आप ही के कारण हम जिंदा हैं। 1977 में देश में आपातकाल लगा, हमारे विचारधारा के कई लोग सत्याग्रह करते हुए जेल में गए, मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते जेल में गया, जेल में कई लोगों की प्रताड़ना हुई, कुछ लोगों की हत्याएं भी हुई, हम बचकर निकले, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें जिंदा रखा। फिर 1984 आया, 1984, और विद्यार्थी परिषद के हम कार्यकर्ता थे, दिल्ली आना जाना हुआ करता था, उस समय हम भी दिल्ली में थे और हमें पता है कि बोला गया ना कि एक बरगद का पेड़ गिरता है तो क्या क्या होता है और बहुत सारी हत्याएं इस दिल्ली महानगर ने भी देखी, हम बचकर निकले, हम आपके आभारी हैं, आप ही हैं इसलिए हम जिंदा हैं। बाद में आया 2010, इस दिल्ली नगर ने, हमारे देश की गौरवशाली राजधानी ने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया, हम भी उस समय दिल्ली में आया करते थे और ये जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास जो ब्रिज बनाया है, फुट ओवर ब्रिज, करप्शन के कारण वो गिर गया, हम उसके अंदर से निकल रहे थे, हमारे ऊपर गिरा नहीं, हम आपके आभारी हैं, आप ही के कारण हम जिंदा हैं। बहुत सारी बातें कही जा सकती है, कई लोग उसमें घायल भी हुए, हम सब जानते हैं। तो इस तरीके का एक जीवनदानी प्रतिपक्ष इस देश को मिला है, स्वाभाविक रूप में देश की जनता ने और विशेष रूप में हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने इस प्रतिपक्ष के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि आप ही के कारण हम जिंदा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मुझे ये पूरा मंजूर है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने टिप्पणी करते हुए और भी ये कहा कि देखो सब आप ही का तो चल रहा है, उन्होंने कहा कि सरदार आपका, दरबार आपका, और बोलते बोलते कहा अखबार भी आपका। माननीय नेता प्रतिपक्ष, कम से कम हमारे जनतंत्र के जो चौथा स्तंभ कहा जाता है उसका ऐसा अपमान मत करिए भाई साहब। मैं आपको करबद्ध निवेदन करता हूं, आप एडिटर्स गिल्ड के पत्रक निकलते हैं बीच बीच में, पढ़िए, एक भी पत्रक सरकार की आलोचना के बगैर निकलता नहीं, और हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर पूरा अभिमान है और हम रहना भी चाहते हैं। हमारे यहाँ पर एक मीडिया रिसर्च का ब्यूरो है, उन्होंने अध्ययन किया कि विगत 3 महीनों में, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ऐसे जो समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, टेलीग्राफ का समाचार पत्र में हम उल्लेख नहीं करते, वो तो एक व्यूज पेपर है, मगर ये जो न्यूज पेपर है, इनके जो एडिटोरियल हम देखे उपसभापति महोदय, 30 एडिटोरियल में से 25 सरकार की आलोचना करते रहे और आप कह रहे अखबार आपके हैं। कृपया इस तरीके से सत्य का अपलाप न करें, सत्य से परे जाकर बात न करें, मेरी आपको करबद्ध प्रार्थना है। माननीय महोदय, इस पूरे भाषण के संदर्भ में जब मैं कटाक्ष करता हूं, देखता हूं कि विगत कुछ सालों में क्या हुआ, 7 सालों में क्या हुआ, तो ध्यान में आता है सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुल मिलाकर हम देखते हैं, और उठाया गया विषय कि ये पीएम केयर्स फंड के बारे में क्या हुआ, पीएम केयर्स फंड के बारे में क्या हुआ,
मैं मानता हूं कि सदन का हर व्यक्ति जानता है कि पीएम केयर्स फंड एक बहुत ही साफ सुथरे तरीके से ट्रांसपेरेंटली चलाया गया फंड है। ऐसा नहीं है कि उसमें बीजेपी का अध्यक्ष और उसके संचालन में काम करे, जैसे कि डिजास्टर रिलीफ फंड के बारे में होता गया है कि एक दलगत राजनीति से उसको जोड़ा गया। कई हमारे विपक्ष के नेता जानते भी नहीं होंगे कि इस फंड के संचालन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का नाम है और उसको कहते हैं कि यह सरकारी फंड है। मतलब समझ में नहीं आता कि एक दल का अध्यक्ष किसी एक सरकारी फंड का, और कोई भी अध्यक्ष हो, हाँ अभी ये बात अलग है कि एक ही घराने का अध्यक्ष होता है, मगर कोई भी अध्यक्ष हो बोले कांग्रेस का, वो इस फंड के संचालन में आएगा। और आप फिर भी लोकतंत्र के बारे में हमें पाठ पढ़ाते हैं।